थूक कांड, पेशाब कांड और कभी जूस कांड। जी हाँ, ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं और तमाम वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ये लगता है कि योगी सरकार जो कानून बना रही है वो ठीक है, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा ही कांड सामने आया है और ये कांड पिछले कांडों से कुछ ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि एक 8 साल से काम कर रही महिला लगातार खाने में अपना पेशाब मिला रही थी। जी हाँ, गाजियाबाद NCR क्षेत्र के इस कांड से तमाम लोग इस बार सतर्क हो गए हैं और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि कैसे काम वालियों पर भरोसा किया जाए और उनसे खाना बनवाया जाए। दरअसल एक महिला का आरोप है कि उसके घर में काम करने वाली सहायिका पेशाब से रोटी बना रही थी, वो भी 8 साल से। ऐसे में ये सबके लिए अलार्म है कि अगर आपके घर में भी मेड काम करती है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं या फिर अकेले में वो काम करती है, तो उस पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि यूपी के गाज़ियाबाद से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले की क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसी हाई फाई सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत की है कि उसकी मेड बर्तन में यूरिन करती है और उसके बाद उससे रोटी बना देती है, बाकी बचे हुए यूरिन को दूसरे खाने में लगा देती है। इस खबर को पढ़ने भी अजीब लग रहा है, लेकिन यह है सत्य। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत हुई है और पुलिस ने FIR दर्ज करके आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यूपी की योगी सरकार लगातार खाने पीने की चीज़ों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का प्रयास कर रही है। बीते दिनों ऐलान भी हुआ और उसके बाद जल्द ही इसे कानून का रूप देने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच में जो ये घिनौनी घटना सामने आई, जिसका वीडियो सामने आया है, उसने सभी को दहशत में डाल दिया है। दरअसल महिला ने अपनी शिकायत में घरेलू सहायिका पर आरोप लगाया है और इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि काम करने वाली महिला एक बर्तन लेती है, उसके बाद किनारे में जाकर के उसमें पेशाब करती है, उसके बाद उससे रोटी बनाने लगती है। महिला ने यह भी कहा है कि घरेलू सहायिका के खिलाफ फिलहाल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये सारा कृत्य बीते 8 साल से हो रहा था। वहीं ASP वेब सिटी लिपि नगायच की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है, आरोपी मेट को पकड़ लिया गया है और नियम और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि उनके यहाँ रीना नाम की मेड काम कर रही थी और ये 8 साल से काम कर रही थी। उसकी गतिविधियों पर शक होने के चलते मोबाइल से वीडियो उसका रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद महिला की ओर से जो वीडियो में हरकत रिकॉर्ड हुई है, उससे वो दहल गए। दरअसल वीडियो में महिला की करतूत कैद हुई जब वो बर्तन में यूरिन करते हुए पास में रखे हुए आटे से रोटी गूंथे देती है और उसके बाद उन्हें टिफिन में पैक करके बच्चों तक को दे देती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जब मालिक ने उस नौकरानी से बात की, उससे पूछा, तो उसने गुमराह करने की कोशिश की। इसके साथ ही वो परिवार को बरगलाने का पूरा प्रयास करती रही। महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई और बाकायदा पुलिस ने जब उसे वीडियो दिखाया तो रीना चुप हो गई। महिला के मुताबिक रीना 8 साल से उसके काम करती थी, लेकिन उसकी इस हरकत से उसके पूरे परिवार की तबीयत खराब रहती थी। उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपकी यूरिन में इन्फेक्शन है, लीवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन 14 अक्टूबर को जब ये घटना रिकॉर्ड की गई तो उसके बाद सब देख करके दंग रह गए। घरेलू सहायिका जिस तरह से खाने में पेशाब मिला रही थी, उस पर महिला का कहना है कि बीते काफ़ी समय से उनका परिवार लीवर संबंधित तमाम बीमारियों से ग्रस्त था, उसके बच्चे भी यही खाना खाते थे, लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखा तो स्कूल गए हुए बच्चों को तत्काल फ़ोन करके कह दिया कि वो अपना खाना फेंक दें। वहीं दूसरी तरफ महिला ने कहा कि रीना काफ़ी समय से उनके घर में काम कर रही थी और ये घिनौना काम कब से कर रही थी वो खुद नहीं जानती। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और अब जांच शुरू है। हालांकि महिला को इस बात की आशंका थी, क्योंकि बीते काफ़ी दिनों से उनके घर की सब्जियां भी गायब हो रही थी। चोरी की इस घटना को रोकने के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग लगाई थी, लेकिन पता कुछ और चला और पता वो चला जिससे वो दंग रह गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।